सीहोर जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर महोड़िया जागीर से मुरम का अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा है। पूर्व में भी जिला प्रशासन को अवगत कराया, तब प्रभारी कलेक्टर आशीष तिवारी ने कहा था कि मीडिया के माध्यम से मामला संज्ञान में आया है, जल्द मामले की जांच करवाकर कार्रवाई करते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। लगातार मुरम का अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा है। इस ओर जिला प्रशासन के अधिकारी एवं संबंधित विभाग के अधिकारी का कोई ध्यान नहीं है। यहाँ तक कि इसके द्वारा मुरम की खुदाई की जा रही है, उसके पास किसी भी प्रकार की कोई परमिशन नहीं है। महोड़िया जागीर से पोकलेन मशीन से खुदाई करके डंपरों के द्वारा किया जा रहा चितावलिया में मुरम का परिवहन शासन को लाखों रुपए का लगाया जा रहा चूना। आखिरकार संबंधित अधिकारी और जिला प्रशासन इतना मौन क्यों? कब तक चलता रहेगा यह खेल? कब होगी कार्रवाई? राहुल मालवीय, सीहोर।